हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरी मिर्च और नींबू का अचार बनाने जा रही हूँ, जो कि गर्मी के अंदर बहुत ही स्पेशल अचार माना जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है और एक मिनट में ही बनाया जाता है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हरी मिर्च और नींबू का चटपटा अचार। नींबू मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं नींबू, 6 नींबू लिए हैं और ये हमने 20 से 25 मिर्चें, ये लाइट ग्रीन कलर की मिर्चें हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। इसको हमने हाफ हाफ काट लिया, आप देख रहे हैं इसकी स्टेम्स अलग करके इनको हमने हाफ हाफ इस तरह से काट लिया है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसे धोकर अच्छे से सुखा लेना है काटने से पहले, और नींबू को भी हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया है। और ये लिया है हमने नमक, नमक हमने अपने टेस्ट अनुसार डालना है, 4 चम्मच हमने नमक लिया है। तो बहुत ही आसान है, एक मिनट के अंदर ये अचार तैयार हो जाता है और साथ ही खाने लायक भी हो जाता है, बनाने में भी देर नहीं लगती। इसे हमने इस तरह से एक कांच के बाउल में, जिसमें हमने डालना है उसी में हमने मिर्चों को इस तरह से डाल देना है। जिस बर्तन में आपने अचार डालना है उसके अंदर आपने पहले मिर्चें डाल देनी है काट कर। अब हम क्या करेंगे, हमने 6 नींबू लिए हैं तो इसके अंदर से हम 3 नींबू को इस तरह से 4 पीस करते हुए इसी के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं मिर्चों के हिसाब से डाल रही हूँ। इस तरह से हमने एक एक नींबू के 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने इसके अंदर नमक डाल देना, ये मैंने बड़ा चम्मच लिया है तो ये लगभग 3 चम्मच है। इसके अंदर हमने 3 बड़े चम्मच नमक डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, नींबू को हाफ हाफ कर लेना है और इस तरह से हमने नींबू को इसके अंदर निचोड़ देना है। आप चाहें तो नींबू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 3 नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके ढक्कन को इस तरह से बंद कर देना और इसको इस तरह से हिला देना। ये हमारा नींबू मिर्च का अचार बनकर तैयार है। पूरी तरह से मैंने इसको हिला दिया है। आप चाहें तो आप नींबू का रस और भी डाल सकते हैं और इसे आप जब चाहें खाना शुरू कर सकते हैं। वैसे ये एक दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो आपने देखा है कितना इजी है इसको बनाना, 1 मिनट लगा इसको बनाने में, टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो हरी मिर्च को साथ के साथ भी खाएं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।